हाय गाइस, जबरदस्त में आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में खुद की पहचान बनाना कभी एक आउटसाइडर के लिए आसान नहीं रहा। सान्या मल्होत्रा उन लकी लोगों में से एक हैं जिनकी पहली ही मूवी यानी दंगल से उन्हें इतना नेम एंड फेम मिला कि उन्हें एक के बाद एक नए नए प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रोच किया जाने लगा। सान्या मल्होत्रा आज बॉलीवुड का वो चमकता हुआ सितारा है जिसे देखना ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों ही पसंद करते हैं। पहले दंगल और फिर बधाई हो और पटाखा जैसी सुपरहिट मूवीज देने के बाद सान्या डिमांडिंग एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। आज हम आपको बताएंगे इस गॉर्जियस और टैलेंटेड एक्ट्रेस की लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आप शायद नहीं जानते होंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, बाकी और कोई हलचल के बिना लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर एक, 5 साल की उम्र से देखा एक्टर बनने का सपना। साइन ब्लिट्स को दिए गए एक इंटरव्यू में सान्या ने बताया था कि उन्होंने केवल 5 साल की उम्र में ही डिसाइड कर लिया था कि उन्हें एक एक्टर बनना है। उन्हें टीवी देखना, मूवी देखना और बॉलीवुड सॉन्ग्स पर डांस करना काफी पसंद था। नंबर दो, फादर है सपोर्ट पिलर। सान्या ने एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि मुंबई आने के 1.5 साल बाद उन्हें पहला प्रोजेक्ट मिला था। इस बीच जब भी वो परेशान होती थी या अपसेट होती थी तो सबसे पहले अपने फादर को ही कॉल करती थी। उनके फादर बचपन से ही उनका सपोर्ट पिलर रहे हैं एंड आज भी उन्हें कोई एडवाइस लेनी होती है तो वो सबसे पहले अपने फादर को ही कॉल लगाती हैं। नंबर तीन, ट्रेन डांसर। दोस्तों, शायद आप ये बात नहीं जानते होंगे कि सान्या एक ट्रेन डांसर भी हैं। उन्होंने कंटेम्प्रेरी एंड बैले डांसिंग फॉर्म्स में ट्रेनिंग ली हुई है। इसके अलावा उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स में एज अ डांस कोरियोग्राफर भी काम किया है, जिसमें से एक प्रोजेक्ट सीक्रेट सुपरस्टार मूवी भी रहा है। इस प्रोजेक्ट में भी सान्या आमिर खान के साथ काम करती हुई नजर आई और उन्होंने सेक्सी बलिए सॉन्ग को कोरियोग्राफ भी किया। नंबर चार, जिम लवर। दोस्तों, बाकी एक्ट्रेसेस की तरह सान्या भी एक फिटनेस फ्रीक हैं और वो कभी भी अपना वर्कआउट और जिम सेशन मिस नहीं करती हैं। उनका कहना है कि वो सिर्फ कैलोरीज बर्न करने नहीं जाती बट बिकॉज शी ऑल्सो एंजॉयज बीइंग एक्टिव। नंबर पाँच, जैकी चैन एक्शन मूवी अवार्ड। सान्या ने साल 2018 में 4th annual जैकी चैन एक्शन मूवी अवार्ड जीता था। ये अवार्ड उन्हें बेस्ट एक्शन न्यू स्टार कैटेगरी में दिया गया था। नंबर छः, फ्रूट लवर। दोस्तों, सान्या एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्हें फ्रूट्स खाने का बेहद शौक है। मुंबई में अपने स्ट्रगलिंग डेज को याद करते हुए सान्या ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पास फ्रूट्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे और उन्होंने काफ़ी महीने बिना फ्रूट्स खाए ही बिताए थे। नंबर सात, फेवरेट फूड। दोस्तों, हर इंडियन की ही तरह सान्या को भी राजमा चावल खाना काफ़ी अच्छा लगता है। इसके अलावा उन्हें ड्राई फ्रूट्स, बीटरूट जूस और फ्रूट्स पसंद हैं। ड्रिंक्स में उन्हें कॉफ़ी पीना पसंद है। नंबर आठ, शी इज़ अ बिग इंट्रोवर्ट। दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये जानकर हैरानी हो लेकिन ये सच है कि सान्या बेहद शाय पर्सन है एंड शी इज़ अ वेरी बिग इंट्रोवर्ट और उन्हें आज भी लोगों से खुलकर बात करने में प्रॉब्लम होती है। सान्या कहती हैं कि वो हर किसी के साथ कैजुअल होकर बात नहीं कर पाती हैं और अपनी फॉर्मल मीटिंग्स में वो फॉर्मल रहना ही प्रेफर करती हैं। नंबर नौ, फेवरेट डेस्टिनेशन। सान्या ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें बचपन से ही ट्रैवल करना काफ़ी पसंद है और ये उनकी हॉबी है। आपको बता दें कि उनका फेवरेट डेस्टिनेशन यूरोप है। नंबर दस, हॉबीज। सान्या डांसिंग का बेहद शौक रखती हैं लेकिन इसके अलावा उन्हें रीडिंग करना और ट्रैवलिंग करना भी पसंद है। सान्या अपनी फिटनेस को लेकर भी काफ़ी अवेयर हैं और उन्हें योगा करने का भी बेहद शौक है। नंबर 11, एनिमल लवर। सान्या को नेचर और एनिमल से काफ़ी लगाव है। इनफैक्ट उन्हें पेट्स पालने का बचपन से ही शौक रहा है और यही वजह है कि उनका खुद का एक पेट डॉग है जिसका नाम ब्रूनो है। नंबर 12, आयुष्मान खुराना है फेवरेट एक्टर। सान्या ने एक इंटरव्यू में ये बात रिवील करी थी कि बरेली की बर्फी मूवी देखने के बाद सान्या आयुष्मान की फैन हो गई थी और उनका ड्रीम था कि उन्हें कभी आयुष्मान के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले और ये मौका उन्हें बधाई हो मूवी में मिला था। नंबर 13, पार्टिसिपेटेड इन डांस इंडिया डांस 2013। साल 2013 में सान्या ने रियलिटी शो डांस इंडिया डांस में पार्टिसिपेट भी किया था। कुछ राउंड्स के बाद वो एलिमिनेट हो गई थी और इसके बाद उन्होंने एक्टिंग की तरफ ही अपना सारा फोकस डाल दिया था। नंबर 14, टीवी एडवर्टाइजमेंट्स में भी किया है काम। बॉलीवुड में एज एन एक्टर अपना करियर स्टार्ट करने से पहले सान्या ने टीवी एड्स में भी काम किया है। सान्या ने बताया कि उनके पास जो भी काम आया वो उसे करती रही क्योंकि उनके पास पैसे कमाने का और कोई जरिया नहीं था।
नंबर 15 इंटर्नशिप फेज। आप शायद नहीं जानते होंगे, सानिया ने आमिर खान के प्रोडक्शन को भी ज्वाइन किया था जिससे उन्हें सिनेमा की नॉलेज मिली। सानिया को प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, VFX और बैकग्राउंड स्कोर की भी नॉलेज है। नंबर 16 बॉलीवुड डेब्यू। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्लॉकबस्टर मूवी दंगल से ही सानिया ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करी, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि इस रोल को पाने के लिए सानिया ने 1 महीने तक ऑडिशंस दिए थे जिनमें उन्हें अलग अलग तरह के राउंड्स में परफॉर्म करना पड़ा था। इतना ही नहीं, देश भर की 1000 लड़कियों में से फिल्म मेकर्स ने सानिया को एज बबीता चूज किया था। नंबर 17 ट्रेन्ड बाय कृपा शंकर। एज अ रेसलर स्क्रीन पर परफॉर्म करना सानिया के लिए काफ़ी डिफिकल्ट था। अपने एक इंटरव्यू में सानिया ने बताया था कि उन्हें रेसलिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी और यही वजह थी कि उन्हें ट्रेनिंग के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। बबीता के रोल के लिए उन्हें नेशनल रेसलिंग हेड कोच कृपा शंकर ने ट्रेन किया था। इसके अलावा उन्हें अपने कर्ली हेयर को भी टाटा बाय बाय बोलना पड़ा था और एक नए लुक को अपनाना पड़ा था। नंबर 18 म्यूजिक लवर। सानिया एक म्यूजिक लवर भी हैं और उन्हें हर तरह के गाने सुनना पसंद है, लेकिन उनके फेवरेट आर्टिस्ट कोल्डप्ले और लाना डेल रे हैं। सानिया को बीच के किनारे बैठकर अपना फेवरेट म्यूजिक सुनना काफी अच्छा लगता है। नंबर 19 रणबीर के साथ करना चाहती हैं रोमांस। सानिया रणबीर कपूर के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहती हैं और उन्हें उनके साथ रोमांटिक मूवी करने का भी मन है। इसके अलावा वो द लेजेंड अमिताभ बच्चन जी के साथ भी काम करना चाहती हैं। नंबर 20 यूनिक स्क्रिप्ट करती हैं अट्रैक्ट। सानिया को पैसे से ज्यादा यूनिक कॉन्सेप्ट्स एंड स्टोरीज अट्रैक्ट करती हैं। अगर उन्हें कहानी पसंद आती है तो फिर वो प्रोजेक्ट को जरूर हाँ कर देती हैं। उनका कहना है कि अगर आपका काम अच्छा है तो ऑडियंस आपको जरूर पसंद करती है, फिर चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर कितनी भी ड्यूरेशन का रोल करें। नंबर 21 शॉर्ट मूवीज से नहीं है परहेज। दोस्तों सानिया ने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया था कि उन्हें शॉर्ट मूवी कॉन्सेप्ट से कोई परहेज नहीं है और उन्हें जब भी मौका मिलेगा वो इन मूवीज को जरूर करेंगी। इसके अलावा उन्हें OTT प्लेटफॉर्म्स पर काम करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए सिर्फ स्क्रिप्ट इम्पोर्टेंस रखती है। तो दोस्तों ये थे सानिया मल्होत्रा से रिलेटेड कुछ अनसुने फैक्ट्स। दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। हमारे चैनल जबरदस्त को सब्सक्राइब अवश्य करें और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।